देखिए, हम अपने माता पिता को, अपने विद्यालय को, अपने देश को क्या दे सकते हैं, कैसा बना सकते हैं? ये हम सबके अंदर काबिलियत है अच्छे से अच्छा बनने की और बनाने की। खुद बन सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देकर के बना सकते हैं। इसलिए मैं इस कविता का शीर्षक है धरती माँ। चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, जात पात रग राग द्वेष इस धरा से इनको हम मिटाएं, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं। हरा भरा हो हर मंजर ऐसा हम संकल्प उठाएं, चारों तरफ हरियाली ऐसी हम धान उपजाएं, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं। प्रेम भाव का गीत जो गाएं, नफरत का अंजाम न दे पाए, इंसान को इंसान समझा जाए, मन मंदिर को भगवान बनाए, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाए। ईमानदारी हो इस धरा पर, भ्रष्टाचार पनप न पाए, नारी सम्मान का संकल्प उठाएं, दरिंदों पर आवाज उठाएं, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाए। क्या नरक क्या स्वर्ग है इसका हम सब भेद मिटाएं, इस धरा को ही हम स्वर्ग बनाएं, चलो इस धरती को हम रहने योग्य बनाएं। क्या अल्लाह क्या ईश्वर है, क्या अल्लाह क्या ईश्वर है, क्या गिरजा गुरुद्वारा है, क्या मस्जिद क्या मंदिर है, इसका हम सब भेद मिटाएं, चलो इस धरती को हम रहने योग्य बनाएं।